गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम आपकी यूनिट 4 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि किस तरीके से साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आज कुछ उसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 ले रही हूँ, उसमें क्या दे रखा है, टी डी एक्स बराबर टी माइनस 2x dt। ये तो एक इक्वेशन दे रखी है, एक क्या दे टी डी वाई और आपका टी एक्स प्लस टी वाई प्लस 2x माइनस टी डी टी। दो इक्वेशंस दे रखी हैं। अब आपके पास में जो डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे कौन है, x और y है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, t है। इसको सॉल्व करना है। यहाँ से हमें x और t में और y और t में एक संबंध निकालना है, और वो दोनों मिलके ही इनके क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। तो इसका सॉल्यूशन देते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, यदि हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, फर्स्ट और सेकंड, तो हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इनको सॉल्व करने के लिए। ऐड किया तो आपने टी डी एक्स, जिससे आपको ज़्यादा सिंप्लीफाई लगे वो कर सकते हो। यहाँ से हम करेंगे तो माइनस टी से टी कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, तो यहाँ बचा आपके पास में टी एक्स प्लस टी वाई और आपका डी टी। ओके, टी टी हमने दोनों तरफ कॉमन लिया तो ये बचा एक्स प्लस वाई और डी टी। डी एक्स सेपरेट कर देंगे वेरिएबल्स को, डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर डी टी। दोनों तरफ समाकलन करने पर डी एक्स प्लस डी वाई एक्स प्लस वाई डी टी किसके बराबर आएगा आपके पास में, ये आया आपके पास में लॉग एक्स प्लस वाई और टी प्लस लॉग सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको लिख सकते हैं अपन एक्स प्लस वाई सी ई टू द पावर टी। आप डालोगे इसको इक्वेशन नंबर 3। ये तो क्या है, एक्स और वाई दोनों में आ गया। हमें सेपरेट एक्स में, एक्स और टी में चाहिए, और वाई और टी में। अब क्या है, जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपको, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है हमें टी डी एक्स प्लस टी माइनस टू एक्स और डी टी। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, टी डी एक्स बाय डी टी और टी माइनस टू एक्स। ये आपका लिखा जा सकता है टी डी एक्स बाय डी टी, और ये माइनस का टी, और इधर क्या आ जाएगा, सॉरी ये टू एक्स को लेके आओ इधर, इसको हम लिखेंगे प्लस का, इसको काटो यहाँ से, इसको लिखेंगे टी डी एक्स बाय डी टी प्लस का टू एक्स और ये टी। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं कि वेरिएबल है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो इसको हम क्या करेंगे, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने यूनिट 3 में था, दोनों तरफ क्या है, टी से मल्टीप्लाई किया डी एक्स बाय डी टी, और यहाँ आ गया आपका पास में टू एक्स टी, और ये आ गया टी स्क्वायर, ये इक्वेशन बन गई। अब देखें तो ये क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, जो लेफ्ट साइड में है उसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारे पास में क्या आया था, आपके पास में आया टी स्क्वायर डी एक्स बाय डी टी प्लस टू एक्स टी बराबर टी स्क्वायर। ये क्या है, ये दोनों टर्म क्या है, एक्स टी स्क्वायर, क्या इसी का अवकलज है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें ये मिलता है, यानी इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है बराबर टी स्क्वायर। दोनों तरफ समाकलन करने पर, दोनों तरफ समाकलन करेंगे तो डी बाय डी टी एक्स, सॉरी प्लस नहीं है, ये टी स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू डी टी, क्या टी स्क्वायर डी टी, तो क्या है ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का रिवर्स होता है, कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया आपके पास में टी क्यूब बाय थ्री, और ये आ गया आपके पास में
सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्स और टी में क्या संबंध मिल गया, टी स्क्वायर को इधर ले जाएंगे, टी बाई थ्री प्लस सी टी की पावर माइनस टू। तो आपके पास में इक्वेशन फोर एक्स और टी में तो मिल गया हमें, अब हमें वाई और टी में निकालना है। तो हम क्या करेंगे, आपके जो x प्लस वाई इक्वेशन आई थी ना, तो इक्वेशन जो थर्ड थी उसमें क्या करेंगे, इन इक्वेशन थर्ड पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू रखेंगे। अपन ने निकाला था ना x प्लस वाई बराबर सी वन ई टू द पावर t। तो x इक्वेशन थर्ड क्या आपके पास में, x प्लस वाई और आपका c1 e to the power t, इसको हमने c2 नाम ले दिया, कांस्टेंट c c रखेंगे तो सेम कांस्टेंट हो जाएंगे। x की वैल्यू रखी तो t by 3 plus c2 t to the power minus 2 t की पावर माइनस टू c1 e to the power t। तो y क्या आ गया हमारे पास में, c1 e की पावर t माइनस t by 3 और माइनस का c2 t की पावर माइनस टू। और x और y में क्या आ गए, x और t में और y और t में संबंध मिल गए। और ये दोनों ही क्या करेंगे, चार और पांच ही क्या होंगे, समीकरण का व्यापक हल प्रदान करते हैं, यानी फोर और फाइव ही क्या हो जाएंगे, इन्हीं से हमें दी गई जो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके व्यापक हल मिलेंगे। अब नेक्स्ट हम करेंगे तो आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज में से ले लेते हैं एक क्वेश्चन। तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज का क्या क्वेश्चन है, डी एक्स बाई डी टी प्लस सेवन एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, एक क्वेश्चन दे रखिए, एक दे रखिए डी वाई बाई डी टी और आपका टू एक्स और प्लस फाइव वाई बराबर जीरो, दो इक्वेशन दे रखे हैं और दो ही आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है। सॉल्यूशन निकालेंगे तो दी गई समीकरणों को हम कैसे लिख सकते हैं, डी प्लस सेवन आपका एक्स माइनस वाई बराबर जीरो और ये टू एक्स, डी प्लस फाइव वाई, एक्स और वाई के क्या हैं जितने भी कोफिशेंट्स हैं उनको सेपरेट सेपरेट कर लिया, इसको इक्वेशन नंबर वन दिया, इसको इक्वेशन नंबर टू दिया। अब वन और टू में से हम क्या करेंगे, वाई को इलिमिनेट करेंगे, विलोपन करेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट को तो हमने किया मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई किया किससे, डी प्लस फाइव से, और फिर प्लस जोड़ देंगे इसको सेकेंड इक्वेशन में, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन फर्स्ट को डी प्लस फाइव से मल्टीप्लाई करके और सेकंड इक्वेशन में जोड़ देंगे। तो डी प्लस फाइव इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा, डी माइनस डी प्लस फाइव, यहाँ प्लस का डी प्लस फाइव, वाई का कोफिशियंट पूरा कैंसिल हो गया, बचा क्या आपके पास में, डी प्लस सेवन और ये डी प्लस फाइव और ये आ गया प्लस का टू और ये एक्स और इधर क्या है जीरो। सॉल्व किया इसको तो आपके पास में आ जाएगा डी स्क्वायर प्लस ट्वेल्व डी प्लस थर्टी सेवन और ये एक्स। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन होगी एम स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एम प्लस थर्टी सेवन इक्वल्स टू जीरो। एम की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस ट्वेल्व प्लस माइनस ट्वेल्व का होल स्क्वायर 144 और आपका माइनस फोर इंटू थर्टी सेवन बाय टू और ये आ गया माइनस का ट्वेल्व प्लस माइनस, ये यहाँ से इसको 148 आएगा और ये माइनस फोर बचा और ये टू। सिंप्लीफाई किया तो ये क्या है, रूट में माइनस फोर है तो बाहर निकल के क्या आ गया, प्लस माइनस टू आइटा बाय टू, तो रूट्स आ गए हमारे पास में माइनस सिक्स प्लस माइनस आइटा। तो इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में, e टू द पावर माइनस सिक्स टी सी वन आपके पास में कोस टी प्लस सी टू साइन टी। एक्स और टी में तो हमें क्या मिल गया, इक्वेशन थर्ड नाम देते हैं, हमें रिलेशन मिल गया। वाई में रिलेशन निकालना है तो हम पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है क्या, डी एक्स बाई डी टी प्लस का सेवन एक्स माइनस वाई बराबर जीरो, इसको लिख सकते हैं हम डी एक्स बाई डी टी
प्लस का 7x बराबर वाई। एक्स आपके पास में ये दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम। तो इसको डिफरेंशिएट किया तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन। पहले इसका करेंगे तो -6e^-60, ये c1 cos t, ये एज इट इज रह जाएगा, c2 sin t, इसको कांस्टेंट मानेंगे। प्लस अंदर वाले का करेंगे -c1 sin t प्लस आपका c2 और cos t। ये तो dx/dt की वैल्यू आ गई। अब हम x की वैल्यू करते हैं, तो 7 60 c1 cos t प्लस c2 आपके पास में क्या आया, sin t। ये वैल्यू आ गई, ये तो dx/dt की वैल्यू है यहाँ तक, और ये x की वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर। दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आई, हम क्या करेंगे, cos के कोफिशंट्स को एक जगह ले लेंगे, sin के। e^-60 सब में से बाहर आ रहा है, बाहर निकाल लिया। यहाँ से cos का कोफिशंट -6c1 आ गया, तो माइनस का 6c1, यहाँ से क्या है आपके पास में, प्लस का c2, और यहाँ से क्या आया, 7c1, यही आया। और अंदर बाहर क्या, cos t। सिमिलरली sin का कोफिशंट लिखेंगे, तो माइनस का 6c2 माइनस का c1, और आपके पास में आ गया प्लस का 7c2, और ये sin t आ गया। सिंप्लीफाई करोगे तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास में, y हमारे पास में आ जाएगा, y की वैल्यू आई e^-60 c1 प्लस c2 आपके पास में क्या आया, cos t, प्लस साइन की वैल्यू आएगी, साइन की वैल्यू आई हमारे पास में c2 - c1, और ये sin t। इसको हमने डाला, ये कौन सी इक्वेशन आ गई आपके पास में, ये जो इक्वेशन है इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर आपका, कहाँ तक थी इक्वेशन, 3 तक चली थी, तो ये नाम हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3rd और 4th क्या देंगे, दी गए समीकरणों का व्यापक हल प्रदान करेंगे। इसी तरीके से आप क्या है, एक्सरसाइज के और क्वेश्चन सॉल्व करो, जो जिन क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उनको आप मैसेज कर देना, उनके सॉल्यूशन मैं ग्रुप में डाल दूंगी। ओके।